आज जी बेटी का माशाल्लाह जी सेकंड लास्ट पेपर है, आपकी दुआओं का साथ रहा तो ऐसे भी आ गया जी पेपर में। कल वाला लास्ट पेपर है, ये देखिए रात हवा कितनी तेज चली है। तो यहाँ जी हम रिक्शे में बैठ के हैं और बेटी को उसके सेंटर में छोड़ने जा रही हूँ जहाँ पे उसका पेपर था और कल उसका लास्ट पेपर है। तो आप सबकी दुआओं का बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला सबके बच्चों को कामयाब करे, सब बच्चों को कामयाबी की तरफ लेके जाए और सब कुछ उनकी मेहनत का सिला हो। और जो माँ बाप की अपनी एफ़र्ट होती है वो औलाद का यही होता है कि अच्छा रिज़ल्ट आ जाए। तो बहुत सारी दुआएं हैं सारे बच्चों के लिए और आप सबका अगेन शुक्रिया, आपने मेरी बेटी के लिए इतनी अच्छी दुआएं की, इतनी कामयाबी के लिए दुआएं की और आप लोगों ने मेरे कहने पर और मेरे कहे बग़ैर भी बहुत सारी दुआएँ दी। तो अल्लाह ताला हर किसी के बच्चों को हिफ्ज़ अमान में रखे और कामयाबी की तरफ लेके जाए और माँ बाप का हर बच्चा जो माँ बाप का सर है फ़ख्र से बुलंद करने में वो बच्चा आगे आगे हो। ये देखें जी मेरी बेटी की फजूल खर्चियाँ छोटी साहबजादी की जिनके पेपर चले थे, उन्होंने जो ऑनलाइन चीज़ें मंगवाती रहती है तो मैं दिखाऊँ उससे क्या मंगवाया है। ये रिवाज मंगवाए हैं इसने, ये देखें ये प्लास्टिक के हैं, बच्चों वाले घर में ये अच्छे हैं कि टूट भी गिर भी जाएँ तो टूटेंगे नहीं, तो टूट भी जाएँ तो गिरेंगे नहीं। तो ये जैसे दो मंगाए अपने रूम्स के लिए और ये अच्छे लग रहे हैं, बस ये पड़े हुए होंगे ना तो कोई नहीं जज कर सकेगा कि ये प्लास्टिक के हैं, ठीक है, लोटा मटेरियल, मैं सोचा नहीं लोटा मटेरियल लोटा मटेरियल आवाज़ देखो लोटो वाली आवाज़ आ रही। तो ये जिसके आए हैं डिलीवरी, मैं क्या मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें जी हार्ट बना हुआ है, दो मैंगोज आपस में जुड़े हुए हैं। ये जी हमारी बचपन की याद है, कभी आलू बुखारे दो जुड़े होने, कभी इस तरह दो केले और ये आम इस तरह। तो बचपन में ये बात सुनते थे कि जो इस तरह जुड़वा चीज़ जो होती है जुड़ी हुई होती है अगर उसको कोई खा ले तो उसके यहाँ ना ट्विंस पैदा होते ये हमारे बचपन की बातें हैं कि जो ये खा ले ना उसके घर पर ट्विंस पैदा होते हैं। तो ये उसी में आम ले रही थी तो मेरी बेटी को नज़र आ गया था मामा ये ले लें, तो बच्चों को शौक होता है दो जुड़ी हुई चीज़ें, पर ये बिल्कुल हार्ट की शेप है। ये देखें देखें खुदा की, ये भी खुदा की कुदरत है ना कि देखें दो फल ऐसे इंसान वो कहते हैं ना दो जुड़े हुए भी होते हैं पैदा होते हैं तो फल भी इस तरह हैं। देखें इनका भी ऊपर से ये जो सर वाला हिस्सा है ये जुड़ा हुआ है, इसको ऐसे करके देखें तो ये हार्ट शेप है। मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूँ, ये भी एक बचपन की खूबसूरत याद है ये वाली ना हार्ट शेप मैंगो। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आज मैंने कहा ब्लॉग के बजाय मेरे पास कुछ आया है तो मैं आपके साथ शेयर करूं। आज मैं इंस्टा पे लाइव गई थी, वहाँ भी मैंने वो चीज़ शेयर की, तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को कैसे भूल सकती हूँ, उनके साथ भी मैं ये चीज़ शेयर करूँ। तो जी मेरे पास सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जी मारिया बी का, तो मारिया बी की कोई कलेक्शन आई है मेरे पास, ये देखें ये वाला, ठीक है, इसमें से कुछ सोल्ड आउट हो गए हैं और कुछ अभी हैं। ये वाला, ये वाले मेरे पास दो आए हैं, ये वाले मेरे पास दो आए हैं, मैं आपको साथ साथ बताती भी जाती हूँ कि कितने कितने मेरे पास हैं, ठीक है। ये वाला मेरे पास एक ही आया है, इसकी भी बड़ी ये डिमांडिंग सूट है, इसकी भी ये मेरे पास एक मुझे मिला बस, ठीक है। और ये वाला भी मेरे पास एक आया है, ये मुझे जहाँ से आए उनका बहुत शुक्रिया कि जी उन्होंने नहीं सॉरी ये दो हैं, ये एक नहीं ये दो हैं मेरे पास, मुझे लगा शायद एक है, अच्छा वो एक दूसरे बैग में था इसलिए मुझे पता नहीं चल सका। तो ये जी दो हैं मेरे पास, ऐसे ही ये पिंक वाले हैं, ये देखें ये बहुत खूबसूरत आर्टिकल है, वेरी नाइस कलर है, ये देखें जी ये भी मेरे पास दो हैं। तो मैंने जो और जो आर्टिकल इसके आए हैं वो मैंने बुक करवाए हुए हैं, वो मुझे ईद के बाद डिलीवर होंगे या हो सकता है ईद से वन वीक पहले मुझे वो डिलीवर हो जाए, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये देखें ये वाला, ठीक है, ये दो हैं मेरे पास, पिंक भी दो हैं। तो ये अब आए हैं जो सबसे पहले मेरे पास आर्टिकल, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। ये देखें ये मैंने आपको बताया ये दो हैं मेरे पास, और ये जी ये तो सेल हो गया, ये वाला ये एक ही था मेरे पास, और ये वाला देखें ये भी है, ये एक ही है मेरे पास, और एक मेरे पास ये आया था, ये मैंने उनको कहा कि ये मुझे लाजमी चाहिए, ये भी आते जी सेल आउट हो गया मेरे से, ये भी सेल आउट है, ये भी सेल आउट है, और ये भी सेल आउट है, ये तीनों सेल आउट हो गए हैं। और जो ये वाला एक ब्लैक रह गया है वो वाला ब्लैक एक ही था,
ठीक है। तो मैंने कहा मैं आप सबके साथ ये चीज़ें शेयर करूं। ये वाला भी मेरे पास आना है, एक और है ब्लू फ्लावर्स वाला, वो भी मेरे पास अभी आना है, और एक रेड है लाइनिंग में, वो भी मेरे पास आना है। तो इंशाल्लाह आप वो सब जो सूट हैं इनमें से भी वेयर किए हुए आप पलवशा को भी देखेंगे, तो ये मेरे पास आए हैं। और डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा है, मैं आप सबको बता दूं, बहुत से लोग आके मुझसे पूछते हैं, प्राइस पूछेंगे और ऑर्डर हम कैसे करें सब पूछते हैं। तो प्लीज़ जिन्होंने जिस भी चीज़ का ऑर्डर करना हो, चाहे वो दुपट्टे हैं या सूट है या किसी को अनस्टिच कहने लगी थी, किसी को अनस्टिच सूट चाहिए हूँ अनस्टिच जान दो, तो किसी को अनस्टा वेखो काम कर दी एन जी आके मैं बह गई हैं, तो अनस्टिच किसी को सूट चाहिए तो वो भी जी मैं डिलीवर करती हूँ और मैंने वो करवाए भी हैं। किसी को स्टिच चाहिए हो वो भी मुझे बता सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जी मेरी इंस्टा का लिंक है, प्लीज़ वहाँ पे जाके मुझे आप मैसेज करें, अपना ऑर्डर दें। क्या होता है कि यूट्यूब के जो मैसेज है ना, वो गायब हो जाते हैं, जादू है, वो लभते ही नहीं फिर कि मैसेज गया किधर है, और वो वहाँ नाम याद करने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। इंस्टा में ये होता है कि आप वो चैट सेव कर लेते हैं या वो आईडी सेव कर लेते हैं, उस पर जाके चैट हो सकती है। और जिन लोगों ने मुझ पर भरोसा किया उनका बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है जी आपको जो मैंने ये सब कुछ दिखाए हैं कपड़े आपको बहुत पसंद आए होंगे, और इसका फीडबैक मुझे आपने ज़रूर देना है। जैसे मैंने आपको केसरिया का टूर करवाया और निशात का करवाया, फिर मैंने आपको सफ़ायर का करवाया और या जे डॉट का करवाया, करवाने का सिर्फ मकसद ये होता है जो मेरी बहनें मतलब जहाँ पर ये चीज़ें नहीं हैं, ये शॉप्स नहीं हैं, उन तक ये चीज़ जाए, वो भी ये देखें कि दुनिया में क्या कुछ है कि जो आ रहा है हम यहाँ पहन सकते हैं, ये कैसी वैरायटी मेरी उन बहनों के लिए थी, या ये सब कुछ मेरा दिखाने का मकसद उनके लिए था कि जिनके पास टाइम भी नहीं होता वो घर बैठ के ऑर्डर कर सकते हैं, या जो मैंने चीज़ें दिखाई हैं वो उनमें से पसंद करके स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज सकते हैं। तो जैसे मैं ये काम करती हूँ तो चलो ये मेरे काम का हिस्सा है कि मैं आप लोगों को वैरायटी में जो वैरायटी है किसी भी ब्रांड की वो मैं आप तक पहुँचाऊँ, आप लोगों को दिखाऊँ। तो जैसे ये खूबसूरत ये वाले प्रिंट्स हैं, इसी तरह मैंने आपको दिखाए जे डॉट के, केसरिया के, निशात के और सफ़ायर के। तो इंशाल्लाह आगे भी जैसे जैसे कोई ऐसी चीज़ें होंगी जो मुझे लगेंगी, बल्कि मैं सोच रही थी आजकल खुस्से का बहुत फैशन है, गर्मियां हैं, कोल्हापुरी पहनी जाती है, तो मैं वो भी इंशाल्लाह आपको उसका भी विज़िट करवाऊँगी। यहाँ मेरे सिटी में बहुत अच्छी चप्पलें बनती हैं, खुस्से बहुत अच्छे बनते हैं, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखें बात करने का मकसद ये है कि एक आप लोगों की खिदमत कह लें, या आप तो आप लोगों तक ये चीज़ पहुंचाने का एक वसीला है, ठीक है कि हमारा काम है, बट ये कि उन लोगों के लिए कि जिनके पास टाइम नहीं है, जहाँ पे ये शॉप नहीं है, जो जाके नहीं ख़रीद सकते या जो घर से बाहर नहीं जा सकती, तो उनके लिए जी ये वैरायटी हम लेके आते हैं। और ये मुझे कोई पूछ रहा था ये जी ओरिजिनल है, जी बिल्कुल ये प्योर ओरिजिनल है, ना तो कॉपियाँ ये रातों रात बनती थी, ना ही मेरे अबूजी दी को मिली हैं फैक्ट्री है। मेरे अबूजी दी के सानू जी मारिया बी दी कॉपी कर ली है, मारिया बी माशाल्लाह जी आपको पता है मारिया बी का, तो वो सिस्टर भी उनको उनके कपड़े वेयर करती हैं जो पलवशा हैं। तो अगर ये आए हैं तो ये ओरिजिनल हैं, और ये जैसे भी आए हैं मैंने आप लोगों को दिखाए हैं, और बड़ी जल्दी मैंने ये मंगवाए हैं। तो ओरिजिनल काम करते हैं, कॉपी वाला काम नहीं मैं करती। मैं कहती हूँ मैं काम थोड़ा कर लूँ, मियारी काम कर लूँ, एक लेवल का काम कर लूँ, ताकि किसी के मुँह से कभी नहीं ये सुनने को मिले जी आपने हमें सही चीज़ नहीं दी। इंशाल्लाह जिन तक ये चीज़ें जाएंगी वो याद करेंगे वाकई ओरिजिनल चीज़ें हैं, कॉपियाँ ऐसे नहीं होती। कॉपियाँ जो मारिया बी की वो बटरफ्लाई वाला प्रिंट था ब्लैक, और वो जिंक सा जो पलवशा ने भी वेयर किया, उसकी तो कॉपियाँ इतनी की निकल आई हैं कसम से, वो तो फट्टों पे शर्टें पड़ी हुई हैं। ये जो कॉपियाँ बनाने वाले हैं वो ऐसे बनाते हैं, कलर में फ़र्क आ जाता है, चीज़ में फ़र्क आ जाता है, इनके अंदर हर जगह स्टैंप है मारिया बी की, और पूरी जी इनकी अपनी है, ऐसे कोई नहीं होता, और एडे कॉन्फिडेंस कोई भी नहीं आके कर सकता, असल चीज़ पे इंसान का कॉन्फिडेंस जी देखने को मिलता है। और बाकी जो स्टिचिंग की बात करते हैं या जो दुपट्टों की बात करते हैं, दुपट्टों की देखें जो वाइट है प्योर शिफॉन में, उसकी और प्राइस है, वही दुपट्टा उसी लेस के साथ थोड़ी दुपट्टे की मतलब क्वालिटी कम हो जाएगी तो प्राइस भी कम हो जाएंगी। और 2.5 मीटर में दुपट्टा मैं बनाती हूँ, 2.5 गज़ में नहीं मैं बनाती,
और जो स्टिचिंग है वो सूट के हिसाब से। अब इस सूट के अंदर कितने पैच हैं, इसकी सिलाई अलग होगी, इसके ऊपर क्या चीज़ लगनी है, क्या ऐड होनी है, इसकी सिलाई अलग होगी। जैसे ये सूट है, इसकी सिलाई अलग होगी। तो ऐसे ही होते हैं, सिलाई मैंने पहले से को नहीं डिसाइड की होती, मैं वो फिक्सिंग वाला काम नहीं करती। जैसे कई मेरे कस्टमर आते हैं, उनको पहली बात यही बोलती हूँ कि मेरा काम करने का तरीकाकार थोड़ा अलग है। मैं पहले नहीं कहती कि मैं 20% लूँगी, 30% लूँगी, 40% लूँगी, बिल्कुल भी नहीं। किसी का काम है, वो मैंने काम किया है, उन्होंने मुझसे अगर बनवाना है, फिर वो टोटल बिल में मैं ऐड करके एक बिल ही उनको मैं दे बताती हूँ कि ये अमाउंट मुझे आप भेज दें, फिर उनको मैं एक अमाउंट ही देती हूँ। मेरी नज़र में जो फिक्सिंग वाला काम है, मैं उसको सूत समझती हूँ कि पहले से आप फिक्स कर दो चीज़। आपको कैसे पता है कि इस पर इतना चीज़ आनी है, इतनी कॉस्ट आनी है? मैं ये काम नहीं करती, मैंने अपना रखा है कि मैं पहले किसी को नहीं बताती। इवन कि मैं तो कस्टमर से पहले पैसे भी नहीं पकड़ती। कोई कस्टमर ऐसा हो जो खुद वहमी हो और वो बहुत मुझे फोर्स कर दे, नहीं नहीं आप इतनी अमाउंट हमारी पकड़ लें, फिर उनकी तसल्ली के लिए मैं ले लेती हूँ। वरना तो कसम से काम मैं करती हूँ, मेहनत करती हूँ, पर मुझे पैसे मांगते हुए भी शर्म आती है। बट उनको मैं यही कह देती हूँ कि एंड पे जाके आपको मैं टोटल बिल दे दूँगी, तो वो मुझे आप पे कर दें। उसी में सारी मेरा जो सारा मेरा अपना प्रॉफिट है, मेरी अपनी मेहनत है, सूट की प्राइस है, स्टिचिंग है, हर चीज़ उसके अंदर ऐड करके मैंने एक अमाउंट बतानी होती है। ऐड़ा वखरा वखरा काम मेरा मेरे को नहीं होता। तो बेहतर होता है जो इंसान पहली बात करते। तो आज से आपसे बात करने का मकसद यही था कि बड़े क्वेश्चन आते थे, बड़ा कुछ लोग पूछते हैं, तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएँ, इंस्टा का लिंक है। चल तू बोलना, पहले तू कुल्फी अपनी बेच लें। तो आइसक्रीम वाला जी अपनी दुकान लेके गली गली फिर रहा है और उसने बकायदा स्पीकर लगाया हुआ है। तो मेरी डिस्क्रिप्शन में जाएं, कोई मालूमात लेनी हो, कोई ऑर्डर करना हो, जैसा करना हो। कई लोग आते हैं बहुत डिटेल से बात पूछ के फिर चले जाए, कस्टमर बहुत आते हैं और हर कस्टमर एक मतलब दूसरे से मुख्तलिफ होता है। कईयों को इतना ट्रस्ट है, और जो सबसे ज़्यादा लोग आते हैं वो पलवशा जी की वजह से आते हैं जी। उनके कपड़े देखे हैं, उनके सूट्स देखे हैं, उनकी स्टिचिंग हमने देखी है और हमें पता चला है कि उनका काम आप करती हैं, तो हमें बहुत पसंद है वो उनके, तो हमें वैसी चीज़ चाहिए। जब आपको वैसी चीज़ चाहिए, जैसे फिर पलवशा मेरे पे छोड़ती है, मुझे कोई मसला नहीं होता अमाउंट का, कोई ऐसा मेरे पे वो नहीं होता प्रेशर कि ऐसे करनी ऐसे करनी ये वो, तो उसके काम जी भी आराम तसल्ली से मैं करके जब रेडी हो जाते हैं फिर उनको मैं भिजवा देती हूँ। तो भले वो मेरी बहन है पर उसका काम भी मैं एज अ कस्टमर ही करके पकड़ती हूँ अब, क्योंकि उसने कहा अब माशाल्लाह तुम्हारे पास कस्टमर है, तो मैं भी तुम्हारी कस्टमर में ही आती हूँ। तो जो भी डिटेलिंग आपने पूछनी है, जो पूछना है जी, वो आप मेरी इंस्टा के इनबॉक्स में आएँ, ये यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक दिया होता है, तो उससे आके आप मेरे साथ भी डिटेल में बात कर सकते हैं। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा, और मेरी बेटी के लिए दुआएं करने का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह बहुत अच्छे उसके पेपर हुए, कल उसका लास्ट पेपर है, तो उसके लास्ट पेपर के लिए आप सबने बहुत सारी दुआएँ करनी है। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।